प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने सड़क पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव अशोक सिंह के नेतृत्व में काफी संख्या में हाईकोर्ट अधिवक्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट अंबेडकर चौराहे पर अपनी मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव अशोक सिंह का कहना है कि अधिवक्ताओं के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को बंद नहीं किया गया तो बहुत जल्द प्रयागराज में बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। अगर हमारे अधिवक्ता पर कोई भी घटना होती है तो मेरी FIR दर्ज नहीं होती, और अगर FIR दर्ज होती है तो तत्काल एक एप्लीकेशन लेके अधिवक्ता के खिलाफ क्रॉस FIR कर ली जाती है। सबसे पहला एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, SSP इलाहाबाद और ADGP इलाहाबाद इस बात का संज्ञान लें, मेडिकल कॉलेज स्वरूप रानी के अंदर दो अधिवक्ताओं को बुरी तरह से घेर के मारा गया था। 20 गाड़ी पुलिस गई वहां और उन अधिवक्ताओं को बचा के ले आई। क्या पुलिस प्रशासन SSP या ADGP ने बहुत कार्रवाई करवाई, डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया क्योंकि पुलिस ही छुड़ा के ले आई थी वहां से? दूसरा, जॉर्जटाउन में अभिषेक तिवारी पर चाकू से हमला किया गया, FIR दर्ज कराई गई। बार के अध्यक्ष माननीय राधाकांत ओझा जी ने और यशनी सिंह जाडव और माननीय सचिव ने FIR कराई थी और पैर भी की थी, लेकिन पुलिस की हरकत देखिए, अभिषेक तिवारी पर क्रॉस FIR की जाती है, इसको पुलिस प्रशासन के बारे में क्या सोचेंगे आप? दूसरा, कल हमारा ये अधिवक्ता जिसको गुंडा और मवाली कहा जाता है, शशांक शुक्ला, गाड़ी से टक्कर मारते हैं रोडवेज के ड्राइवर और उनकी वहां संख्या बल है। जब ये गाड़ी से उनको रोकने के लिए कहता है तो गाली माँ बहन की देते हुए अधिवक्ता पर ब्लेम लगाते हुए बुरी तरह से पैंट फाड़ा और मारा। दो तीन अधिवक्ता और आ रहे थे, उनको भी मारा गया। कोर्ट आवर था, समय था आने का, लोग थाने गए और वहां पे एक FIR 323 और 504 506 की जाती है, कार्यवाही कुछ भी नहीं।